ये यूट्यूबर की वजह से है जी। हाँ ये आप लोगों की वजह से है। ये देखिए गुड़िया बिल्कुल दम तैयार है। ये देखिए पूरा चिल्ड पानी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और चकाचक हो। और हम लोग ये देखिए मेट्रो से भी जस्ट उतरे हैं और कहीं हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मैं भी स्कूल से आई हूँ, ये भी ऑफिस से डायरेक्ट आ गए, इन्होंने कपड़ा भी नहीं चेंज किया। देखते हैं कहाँ से चेंज करते हैं, क्योंकि हम जिसका ब्लॉगिंग आज वीडियो बनाने वाले हैं उनका टाइमिंग 3:30-4 बजे तक का ही है, तो इसलिए हमें वीडियो बनाने के लिए ऑफिस से बाहर ही बाहर निकलना पड़ा, इनको स्कूल से बाहर ही बाहर निकलना पड़ा। तो अभी हम चल रहे हैं, आपको ले चलते हैं लोकेशन पे, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो गाइस मेट्रो से बाहर आ गए हैं और गुड़िया थक गई और अब चलते हैं बाहर। यहाँ का हमने कल का वीडियो डाल रखा है इंस्टाग्राम पे, आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। कल भी आए थे लेकिन दिखा नहीं पाए थे और ये हम बाहर निकल रहे हैं। तो चलते हैं बाहर, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा, बाहर निकलना है और सीधा रास्ता पकड़ना है। ये नीली वाली बिल्डिंग और हरी वाली बिल्डिंग के जस्ट बीच में रास्ता गया, सीधा रास्ता पकड़ना। तो गाइस इस बिल्डिंग से हमें इस गली में जाना है, पतली वाली नीला वाला बिल्डिंग को लेफ्ट नहीं होना है, राइट में पतली गली जा रहा है, कच्चा रोड है और फिर कच्चे रोड से सीधा जाना है हमें, सीधा चलते रहना है, आपको वाइट बिल्डिंग दिख जाएगा। सीधा चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ से लेफ्ट हो जाना है, अभी ये रास्ता बन रहा है, आपको सीधा बढ़ते हुए चलना है और आपको दिख जाएगा ये ढाबा, ढाबा के नाम से ढाबा है और ये मार्केट लग रहा है यहाँ पे। और सीधा चलना है आपको, फिर यहाँ से आपको लेफ्ट फिर हो जाना है। और गाइस हमारा लोकेशन जो है वो सामने है। तो गाइस हम आ गए हैं मनोज भैया के दुकान पे, ये हैं मनोज भैया, साइकिल वाले मनोज भैया बहुत फेमस चल रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो ये रे गुड़िया यहाँ पर खड़ी हैं, अभी भैया बिजी हैं और भीड़ भी कम हो चुका है क्योंकि अब टाइम हो चुका है बंद करने का। हम कल भी आए थे लेकिन कल को क्लोज रखता हूँ, नहीं हमने उनका देखा था, एक दी है बनाए थे आपका ब्लॉग, वो काफी वायरल गया है। मैं बोला था मैं चालू कर दूंगा। अच्छा, कोई एक दो काम होते हैं वो फिर जो है ना करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, रोटी है। तो मनोज भी आप आज क्या लाए खाने में? सब्जी में दाल है, राजमा है सर, चावल है आज। आज चावल है? हाँ चावल है, ये जीरा डाल के बनाया हुआ, आज इसमें सोयाबीन भी डाला, मटर भी डाला, गाजर भी डाला, था ही नहीं कल मैं लेट हो गया था कहीं दिल्ली से बाहर। अच्छा कल आप दिल्ली से बाहर गए थे, आज इसलिए नहीं है। लेट आया तो फिर जो पड़ा था वही बना दिया सर, इसीलिए कल भी बंद था। कल तो संडे था, कहीं जाना होता टाइम मिलता तो कहीं चले जाता है भाईचारे में। सही बात है। अच्छा अच्छा, कहीं जाना पड़ता है, पहले तो मम्मी चली जाती थी, अब नहीं जाना, मतलब बाकी दिशारे के बाद ओपन कर देंगे संडे वाला, मैंने कुछ संडे लगाया था लेकिन फिर भी। और सब्जी? सर ये दाल है। अच्छा, एक काली उड़द की दाल है। हाँ काले मसर की है, आज भंडारा चल रहा था सुबह 11 बजे से, तब भी साहब ये पूरा डिब्बा भर के लाया था, फिर भी काम निकल गया यूट्यूबरों की वजह से। चलिए अच्छा, इसमें चावल आपका है, मतलब इस तरह से फ्राई चावल है, जीरा राइस, जीरा राइस है। और इसमें क्या है? हाँ जी सर, इसमें सर राजमा है। राजमा है? हाँ जी। अच्छा आपका राजमा रेगुलर रहता ही है? मतलब हफ्ते में 3-4 दिन रहता है? अब हफ्ते में 3-4 दिन नहीं लाया, हाँ बीच में लेके आया था, अभी तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने राजमा ज़्यादा देखा ना। पसंद भी करते हैं, शाही पनीर परसों शनिवार को लेके आया था, दिन रखे हुए हैं मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, और मटर पनीर? नहीं मटर पनीर की जगह शाही पनीर कर दिया। अच्छा, अगर शाही पनीर खाना हो तो सैटरडे को आइए जी। चलिए लगाइए मनोज जी, हम लोग भी खाते हैं रायता, और आपके खाने का टेस्ट करते हैं। कोई नहीं, रायता खत्म हो गया तो हम लोग खुद लेट है ना।
नहीं होता नहीं, रायता था कि आज इन्होंने खाने की वजह से जो भी मांग रहा था रायता मांगने लगा। अच्छा मतलब गाइस आज मतलब यहाँ पे खाना यहाँ पे थोड़ा कम हो गया था खाना, रायता यहाँ ज्यादा आ रहा था, खत्म हो गया भंडारे की वजह से, लेकिन फिर भी खत्म ही है, खत्म ही हो गया, फिर भी खत्म है, बगल में भंडारा है फ्री सेवा है लेकिन फिर भी खत्म है। ये यूट्यूबर की वजह से है, ये आप लोगों की वजह से। आप भी तो मेहनत करते हैं ना। नहीं हमारी गाय की मेहनत है। ये देखिए दाल ऐसे ही, तीन सब्जी करती है मैंने। हाँ हाँ तीन सब्जी तो कई बार आज नहीं ला पाया क्योंकि कुछ था ही नहीं, जो घर में पड़ा था वही बनाती। हाँ मतलब आज मार्केटिंग करेंगे, अब बोला हुआ किसी ने कल के लिए आलू के भंडारे वाली सब्जी ले जाओ बेटा खाली खाना। अच्छा अच्छा मतलब अगर कोई क्या हो गया मनोज भैया। अच्छा गाइस ऐसा भी होता है, बताओ भैया के यहाँ खाना खाए और चले के बिना खाए। बगल में आप खा रहे बैठ के थोड़ी मतलब आप यहाँ पर लोग कहीं भी खा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं लोग, लेकिन ये छोड़ देते हैं कि पैसे दे के जाएंगे लेकिन लोग चले जा रहे हैं, रास्ता से निकल जा रहे हैं, खत्म हो गया है। तो गाइस हम लोग भी निकालते हैं, अच्छा आज तो खीरा भी लाए, चलिए ठीक है। अच्छा मनोज भैया मतलब ऑर्डर देने में भी उसके फरमाइश से बन जाता है। मेरे जो कंटिन्यू ग्राहक हैं अब वो जो है ना उन्होंने बोला है कि आलू भंडारे वाली लेके आओ, कल लेके आएंगे, किसी ने अरबी के लिए बोला हुआ है तो लाएंगे, थोड़ा टाइम मैम बैठ दूंगा। चलिए सही, ये भी अच्छा है, अपने फरमाइश से भी बन जाता है। सबसे ज्यादा जबरदस्त खाना मिलता है ना, जबरदस्त खाना मिलता है ना, एक नंबर का, एक नंबर का। मैं सिटी में भी खाना खाता था, गाड़ी और भी लेकिन इनकी प्यार मोहब्बत एक नंबर का है, खाना भी एक नंबर का है, खाना एक नंबर का है मगर प्यार मोहब्बत इनका एक नंबर का है। उनको दे रहा हूँ वैसे भी श्राद्धों में ना प्याज ना लहसुन जो मांगता है वो अलग से सही बात है, बहुत अच्छा। तो अच्छा मतलब भी आपका जो खाना है बिना लहसुन बिना प्याज लहसुन का है। हाँ, वो शुरू से ही बिना प्याज श्राद्ध की वजह से नहीं है। नहीं, हाँ, पहले भी था। अच्छा मतलब आप शुरू से बिना प्याज लहसुन बनाते हैं, डालते क्या बात है। मतलब गाइस जो खाना है ना बिना लहसुन प्याज का है, फुल बिना लहसुन प्याज का, जैसे कोई किसी को लहसुन प्याज ना खाना हो तो भी खा सकता है। हाँ जिसको प्याज खाना हो वाला से प्याज खा सकता है ना भैया। सब सब है। चलिए अच्छा है। कल लाया था बीच में खत्म हो गया था, फिर उन जिनसे अचार लेते हैं राशन वो कह रहा अचार में मंगा दूंगा, अब वो आज मंगा दिया उसने। अच्छा अब इतना कुछ दे रहे हैं, कितने रुपए ले रहे हैं सर? 40 रुपए। 40 रुपए में अचार भी देंगे, खीरा भी काट के दे रहे हैं, प्याज भी काट के दे रहे हैं, और खाना भी है, और दो दो टाइप का सब्जी है, दाल भी है, चावल भी है। कोई बात नहीं, संडे को आए हुए थे, मैंने कहा संडे को हम ही थे भैया। हाँ संडे को हम आए थे, भैया से मुलाकात हुआ था। मत डाले 50 के फुल्ले दे दे दोस्त, सारे पकड़ा दिए। सब्जी क्या है? सब्जी में राजमा दाल है, राजमा ना देख रहे भाई साहब, ये इनका प्यार है, इनका प्यार है, इन्होंने 50 रुपए का चेंज मांगा, इन्होंने पूरा नोट थमा दिया, बोला अपने से गिन के ले लो, बिगाड़ के छोड़ दो ना, ये प्यार नहीं है साहब, बिगाड़ रहे हैं। अरे आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप, पता है आपको यूट्यूबर ज्यादा प्यार करने लगे हैं सब, आप लोगों की मेहरबानी। ऐसा कुछ नहीं है, सब आप लोगों की मेहरबानी। चले कुछ नहीं, आपसे आपसे हमारी मेहरबानी है, हमारे से आपकी मेहरबानी हो रही है। ऐसा नहीं है, पता है कितने यूट्यूबर को भला हो गया, रायता के लिए बर्फ भी आ गया है। नहीं बर्फ पानी ठंडे के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए। क्या बात है, मतलब 40 रुपए में फुल सेवा दे रहे हैं, खीरा भी खिला रहे हैं, प्याज भी खिला रहे हैं, ठंडा पानी भी पिला रहे हैं। भर दिया सर, आप ये देखिए पूरा चिल्ड पानी, पूरा चिल्ड पानी। तो गाइस चलते हैं और हम भी खाने का टेस्ट करते हैं भैया का, फिर आपको बताते हैं कैसा खाना है। खाना लगा दो। हाँ लगाइए खाना, लगाइए हम लोग भी खाना है। हाँ दो रोटी लगा दो, चार लगा। हाँ 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 भैया किम खाएंगे, किम खाएंगे। तो मनोज भी आप कहाँ से आते हैं? सर मैं गोविंदपुरी से। गोविंदपुरी से रोटी दे दीजिए। हाँ ये तो गाइस अपना वो भी घी के साथ है, बिल्कुल ये डिलेसेड मक्खन जो है। अच्छा अच्छा मक्खन के साथ है, डिलेसेड मक्खन जो 20-22 रुपए का था।
अरे फिर भी 40 रुपए में क्या क्या देंगे, वही बोला 40 रुपए में मंत्री भी, मंत्री ने जब दिया था 2020 में थोड़ा सा चावल बांटता था, रोटी किसी के नहीं, तो वो खुद ही अपने घर के लिए रोटी नहीं बना पाता, मगर छीन सकते हैं रोटी मगर दे नहीं सकते। सही बोला आपने, आपने 40 रुपए इतना कुछ खिलाते आपको बच जाता है? बच्चे ना बच्चे कुछ जाता था नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बचता है, ऊपर वाला सब कुछ। करोड़पति बनना नहीं, भूखा मरना नहीं, करोड़पति बनना नहीं, भूखा मरना नहीं, तो गाइस हमारा खाना निकल रहा है, अभी रख गया रोटी और काली व्रत की दाल और राजमा। और ये रहा जीरा राइस, अभी उनको खाने को नहीं है, देखो दूसरे को खाने दो। गाइस जीरा राइस में सोयाबीन भी होता है, बट आज नहीं है क्योंकि कल मार्केट नहीं कर पाए थे, कहीं गए थे इमरजेंसी में। ये देखिए गुड़िया बिल्कुल दम तैयार है खाने के लिए, मतलब इंतजार नहीं हो रहा है। क्यों इंतजार नहीं है? क्योंकि मनोज भैया खाना इतना स्वादिष्ट है सुना हमने, अब ये स्कूल से बाहर ही बाहर आई हैं तो भूख के मारे और हमका हालत खराब हो रहा है। चलो चलते हैं गाइस, खाते हैं और फिर बताते हैं आपको। लैंग्वेज मनोज भैया छोड़ दिए। तो गाइस ये देखिए हमारा खाना लग चुका है और हम खाते हैं, प्याज भी है और मतलब रहता बहुत कुछ है, बस कल मार्केट नहीं कर पाए थे। तो टेस्ट करने जा रहे हैं पांडे जी, रोटी पहले खाइए ना। नहीं पहले मैं राजमा खाऊंगा, चावल मुझे माय फेवरेट राइस। एक नंबर। हाँ सच में एक नंबर है। सोचिए गाइस बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं, हम भी टेस्ट करते हैं। तो गाइस जी जिसको खाना खाना हो वाला है बाद में नहीं कहना, बुलाए आना, कहाँ है नेहरू प्लेस। तो गाइस हमने खाना खाया है और खाना बिल्कुल एक नंबर का था, मतलब ऐसा नहीं कि हम वीडियो बना रहे तो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब खाना वाकई में एक नंबर का था, बिल्कुल एक नंबर का था, मतलब अभी फिलहाल वैसे भी खत्म ही है समझ लीजिए, और हम लोग लेट वैसे भी लेट आए थे। भैया खाना कैसा है, आप रेगुलर खाते हैं? अच्छा मनोज भैया आप कब से लगा रहे हैं? सर यहाँ पे 2018 से। यार आपका पहला वीडियो कब बना था? सर पहला वीडियो तो नाइट में जैसे वहाँ लगाता था ना, हीरोज टावर के पास में। हाँ जी हाँ जी, वो दिसंबर में बना था, ये लास्ट वाले 2000 जो भी अभी गया है। अच्छा वीडियो बनने से पहले कैसा था, बनने के बाद कैसा हुआ? देखिए यहाँ पे जो बनने के रात का तो अभी बंद है, ठीक है, रात का काम तो मेरा ठीक था पहले भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा आप रात में भी कहाँ लगाते हैं? लगाता था हीरोज टावर पे। अच्छा पंडित इधर ही रख देना है, हीरोज टावर पे लगाता था। उसके बाद जो जब यहाँ दिन में लगा तो यूट्यूबर से इतनी मेहनत हुई, इतना क्राउड हो गया कि सर उठाने का ऐसे अगर काम कर रहा हूँ तो मुंडी उठाने के टाइम। अच्छा यूट्यूबरों की वजह से? अच्छा देखिएगा पीछे भंडारा चल रहा है। हाँ भंडारा चल रहा है, चल रहा था 11 बजे से, बहुत बड़ा भंडारा बाबू जी ने किया, फिर भी मेरा माल खत्म हो गया। क्या बात है, पता क्यों? ये देखिए दो डिब्बे लेके आया था, थोड़ा सा बचा है, बस यही है, ये आप लोगों की वजह, पड़ता नहीं आ रहा, बसे ना बचे, ये थोड़ा सा फिर भी बच गया, खत्म हो गया, कुछ कंपटीशन हो गया, मतलब एक राइस खत्म हो गया, ये भी राइस खत्म, कुछ परेशानी इस वजह से भी होगी। ये तो देखिए आज भंडारा था तब भी इतना, आप लोगों की वजह से मेरा काम निकल गया, नहीं तो मैं 11 बजे आया था तो सोच में तो बाद में कल चल गया। अच्छा दूसरी बात कुछ मेरा जो है ना, जैसे ये आदत पकड़ में ये रेडे लग गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया इस वजह से मेरा जो है। अरे मनोज टेंशन मत लो, अब यूट्यूबरों ने चाह लिया है कि आपको साइकिल हटाना है और गाड़ी पे आना है, ऐसा हो गया है, अब ऐसा कोशिश प्रयास शुरू हो चुका है। मेहरबानी बहुत है मेरे लिए, बहुत है। कोशिश सारा है, यूट्यूबरों ने कोशिश कर दिया है कि आपको साइकिल हटाना है,
क्योंकि जो साइकिल में मेहनत बहुत ज्यादा है, आप इतना सारा सामान लेके आते कैसे हो? फिर इधर ही रखो, इधर ही। आप वहाँ से पैदल पैदल आते हो अपनी साइकिल लेके? दो ढाई किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं। अरे फिर भी 2-2.5 किलोमीटर इतना सामान लेकर के आना मामूली बात तो है नहीं। चलिए अच्छा लगा, आपका खाना भी एक नंबर का है सर। ये चुपड़ी हुई रोटी है, ये देखिए फुल पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोटी भी खत्म। गाइस ये चीज और मैंने अभी मैंने यहाँ पर खाना खाते खाते मैंने देखा, मतलब अब मनोज भैया के प्यार बोले या फिर क्या बोले शरीफ को, या क्या क्या बोलूं मैं, मतलब भंडारा वहाँ हो रहा है, वहाँ से लोग खा रहे हैं लेकिन वहाँ आने के बाद भी सब्जी यहाँ ले रहे हैं और सब्जी दे भी रहे हैं फ्री फ्री सेवा, मतलब भंडारा वहाँ हो रहा है यहाँ भी फ्री सेवा कर रहे हैं। चलिए गाइस कोई नहीं, ये भी खत्म होगा जल्दी। चलिए अच्छा लगा, आपको पता है पूरा यूट्यूब पे आप छाए पड़े हो सर, आप लोगों की मेहरबानी है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। अरे ऐसा, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। हाँ तो गाइस हमने बना लिया है मनोज भैया के साइकिल वाली दुकान, जो खाना एक नंबर खाना, क्या खाना था? हाँ सच में रियल में बहुत टेस्टी था वाकई में। गाइस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ खाना अच्छा था, खाना वाकई में एक नंबर का था। मैं खाई हूँ ना चावल, उसके बाद से मैं इतना सा और खाई हूँ। अरे सर बोलो ना, हमें बाहर का चावल तो हमें पसंद आता ही नहीं, ऐसा लग रहा था सच में घर का खाना हो, खुद का बना हुआ। रोटी भी एक नमक था, बिल्कुल मक्खन के साथ में था। तो गाइस मेरा कहना यही है कि आप लोग भी यहाँ पे आए और इनके खाने का स्वाद लें, आपको खाना एक नंबर का मिलेगा। 40 रुपए में बाहर का नाम तो बदनाम है खाने के लिए, पेट खराब जाता है, लेकिन मैं वाकई बोल रहा हूँ कि इनका खाना खाने के बाद पेट खराब होने का नाम तो है ही नहीं, क्योंकि खाना एक नंबर का है। तो हम ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, हम लोग भी आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे, और आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग ऑफिस से बाहर ही बाहर आए थे वीडियो बनाने के लिए, स्कूल से आइए जगह सो रही है स्टेशन पे। और वाकई गाइस क्योंकि हम मैं निकला हूँ सुबह 5:30 बजे का, ये निकल रही है 8 बजे, 7:30 बजे का, और टाइम हो चुका है कितना, 4:10 हो रहा है, 4:15 हो गया अब। तो गाइस हमारी मेट्रो आने वाली है, मेट्रो आएगा और उसके बाद फिर हम सीधा निकलेंगे घर के लिए। ये गाइस ये आगे ये जा रही है कश्मीरी गेट मंडी हाउस, और हमारी मेट्रो भी आ गई। तो कैसा लगा ब्लॉग, कैसा लगा हमारा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।